अपनी खोज में असली बनो। इसके लिए सब कुछ करो। ये प्यास जो परिवर्तन के पीछे है, असली को जानने की है, वही तुम्हें उस अंतिम घटना या कहें दुर्घटना के लिए लायक बनाती है। ऐसा हुआ, चियोनो एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाकर संन्यास लेना चाहती, एक साध्वी बनना चाहती, लेकिन महान गुरुओं ने भी इनकार कर दिया, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी कि वह बाकी साधु अपनी साधना छोड़ चियोनो से मोहित हो सकते थे और आश्रम में अनुशासन गड़बड़ा सकता था। इस प्रकार रास्ता ना मिलते हुए उसने अपने चेहरे को जला दिया, पूरा चेहरा नष्ट कर दिया और फिर वह एक मास्टर के पास पहुंची। उसे तो ये भी नहीं पहचाना कि ये महिला है या पुरुष। फिर वह साध्वी बनी, वह तैयार थी, खोज असली थी। साध्वी चियोनो ने 30 से 40 वर्षों तक ध्यान और साधना की, लेकिन उसे बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक रात ऐसा हुआ, वह एक पुरानी बाल्टी में पानी भर कर ले जा रही। जैसे जैसे वह चल रही थी, वह बाल्टी के पानी में भरे पूर्णिमा का चांद देख रही। अचानक बांस की पटिया जो बाल्टी को जोड़े रखती थी टूट गई और बाल्टी बिखर गई, पानी बहकर निकल गया, चांद का प्रतिबिंब गायब हो गया और चियोनो बुद्धत्व को प्राप्त हुई। तब उसने ये पंक्तियां लिखी, इस ओर उस ओर बाल्टी सजो के चली, कमजोर बांस ना टूटे ऐसी आस लगाई। अचानक सब खो बैठी, बाल्टी टूटी, पानी बहा, अब हाथ में ना पानी है ना चांद है, केवल शून्य बचा। समर्पण एक दुर्घटना की तरह है। वह उन्हीं लोगों को होता है जो इसके लिए बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन ये कभी भी उनके करने के कारण नहीं होता और बिना उनके करने के ये कभी भी नहीं होता। आपका सब ध्यान केवल उस दुर्घटना तक ले जाएगा जो आपको बुद्धत्व के अनुभव से गुजार देगा। बस तैयार रहें दुर्घटना के लिए, अज्ञात के लिए तैयार, इंतजार करते हुए स्वीकार करने वाले। बिना निमंत्रण के मेहमान कभी नहीं आएगा। शेयरिंग स्टोरीज एंड लाइटनिंग माइंड्स। Until next time, namaste.